गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीप। तो गाइस, टाइम हो रहा है इस समय सुबह के 7:45 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। सामान वान भी सब पैक हो चुका है एकदम, बस बाइक पे लोड करना है। 10 से 15 मिनट में मैं निकल जाऊँगा। और आज मैं जा रहा हूँ गाइस यहाँ से पहले भावनगर, जो कि अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर, और भावनगर से फिर मैं जाऊँगा घोघा पोर्ट। तो टोटल अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है 230 से 240 किलोमीटर यहाँ से। तो गूगल के हिसाब से मुझे 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। तो गाइस वहाँ से फिर मैं जाऊँगा वाया शिप हजीरा पोर्ट। तो ये एक सी जर्नी है 90 किलोमीटर्स की, जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ जिसमें बाइक भी चढ़ती हैं। तो उसका टिकट जो है वो है 600 रुपये का, और 200 रुपये आपकी बाइक का, तो टोटल 800 रुपये का है। एग्जीक्यूटिव क्लास है 600 रुपये का, और बाकी और भी 2-3 क्लास है, उसकी डिटेल मैं आपको वहीं जाके दूंगा। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है वो गाइस है मेरा 4 बजे का, 5 बजे शिप निकलेगी, और 3 से 4 घंटे में मेरे को हजीरा पोर्ट उतार देगी। हजीरा पोर्ट सूरत से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो निकलते हैं गाइस फटाफट यहाँ से, 7:45 हो चुके हैं, अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पे। तो गाइस टाइम हो गया 8:25 और अब मैं निकल रहा हूँ होटल अंबिका से। लेट हो गया गाइस सामान वान के चक्कर में। जिधर से आया हूँ गाइस उधर से जा रहा हूँ, एक दूसरे रास्ते से भी जा सकता हूँ एयरपोर्ट रोड से, लेकिन मैं वहाँ से नहीं जा रहा, यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ से है गाइस 216 किलोमीटर रोरो फेरी पॉइंट। गूगल के हिसाब से मैं 1:45 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और रिपोर्टिंग टाइम है 4 बजे। तो उम्मीद है कि मैं 1-1.5 बजे तक रास्ते में एक दो ब्रेक भी लूँगा तो 1-1.5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बाकी डिपेंड करता है कि हाईवे कैसा है। हाईवे बीच बीच में थोड़ा बन रहा है, लेकिन भैया ने बताया कि ऑलमोस्ट बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस सुबह से कुछ खाया नहीं है, ना ही कुछ पिया है, नारियल पानी पीऊँगा। कल से ना पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने, मेरे को ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही, शायद कुछ गलत शलत खा लिया। कंटिन्यू होटल का खा रहा हूँ ना गाइस, तो हो सकता है कि पेट में थोड़ा सा गड़बड़ सा चल रहा है कल से। तो आज मैं बिल्कुल लाइट खाऊंगा, सिर्फ नारियल पानी ही पीऊँगा। कल भी मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह, सिर्फ नारियल पानी ही पिया था। तो घोघा पहुँच के खा लेंगे कुछ, अगर भूख लगी तो, भूख तो लगी जाएगी वैसे। घोघा पहुँचते पहुँचते मुझे 1-1.5 बज जाएगा। तो गाइस फाइनली एक नारियल वाला दिख गया है, तो नारियल पानी ब्रेक ले लेते हैं, प्यास भी लग रही है। गाइस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, एक नारियल पानी ब्रेक लिया है, नारियल पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। यहाँ जाओ यहाँ तो चिंता तुझे आमा हो। हाँ इसमें इसमें ट्यूब और टूल किट ना, इसमें पेट्रोल एमटी पेट्रोल पजी बीजा आवे के नहीं कलाक में गाली से महुआ भावनगर। तो पोगा में भी 2000 ले सूरत सीधा का रोरो फेरी 4 बजे। हाँ तो मैं कर लीजिए भाई, ठीक है नारियल पानी ब्रेक हो गया, निकलते हैं आगे। ठीक है आकर जाओ मैं यार भूतड़ा यार मैं जाओ कराल अमर गिरी बापू पाए तुम्हें चाय चाय बोला अब्बा ने ले लियो बोला भाई ने ले लियो हमारे सर वाला करना सर भाई हमारा ले लेना। ठीक है आएगा ना आएगा ना आया कोटी था सब तुलसी का नहीं है बोला कृष्ण भगवान आया था ना कुंड में नावा। हाँ 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 बोला दीव ने दमन ने कहा जाओ कि इतना हम भगवान बोलो गर्म पानी का कुंड है तो विज्ञान भी आके चले गए कुछ नहीं मिला। हाँ वो ताप करते नोट ऐसी
ठीक है गाइस निकलते हैं आगे। टाइम हो गया गाइस 9:04 और यहां से घोगा पोर्ट रह गया आपका 182 किलोमीटर। गूगल के हिसाब से 3.5 घंटे लगने वाले हैं। इस रोड पे ना आपको पोरबंदर के पास से नारियल पानी दिखने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ नारियल पानी बहुत उगते हैं यहाँ दीव में और पीछे माधवपुर में भी, और इस साइड पूरा नारियल पानी ही नारियल पानी है। और कितने स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं, हे भगवान, देख रहे होगा स्पीड ब्रेकर ही स्पीड ब्रेकर। अब ये कौन सा गांव था गाइस पता नहीं। यहाँ पे कहना सब गाइस गुजराती बोलते हैं, गुजराती आधी समझ में आती है आधी समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ और आइडिया लगा लेता हूँ। लिखने में तो गुजराती और हिंदी थोड़ी बहुत सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, कुछ कुछ अगर आपको कैपिटल समझ में आ जाए तो आप आराम से पता लगा लोगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स हो गए और कुछ चीज़ों की ना पहचान बना ली है कि इस तरीके का शब्द शब्द में मतलब ये होता है वो होता है, तो उस हिसाब से मैं आइडिया लगा देता हूँ। कहाँ में क्या है, ये डा में ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं तो पता चल जाता है कि ये का है, ये डा है, ये आर है, ये जा है, तो वो तो मुझे आइडिया हो गया है थोड़ा बहुत क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से गुजरात में ही हूँ। और ये राइट हैंड साइड में हाईवे बनने का काम चल रहा है अभी, जब ये हाईवे बन जाएगा तो इस साइड अंदर से होके नहीं आपको बाहर बाहर से ये होने को के आना है, तो टाइम बचेगा। अगर ये हाईवे होता तो अब तक पता नहीं मैं 5 किलोमीटर आगे निकल जाता। आने वाले 4-6 महीने में ये हाईवे बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा, तब कोई समस्या नहीं आएगी। आधा हाईवे बन गया है गाइस, आधा रह गया है अभी। तो गाइस नारियल पानी पी लेते हैं, कुछ खाने की तो इच्छा हो नहीं रही क्योंकि भूख ही नहीं लग रही मुझे, पेट में पता नहीं क्या हो गया है, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो नारियल पी के ही काम चला लेंगे। तो गाइस एक नारियल पानी ब्रेक लिया है, टाइम हो रहा है 10:21 रोड ऐसी है या फिर सही आगे मऊआ से मऊआ ही कहाँ है? वो आने वाला है? वो अंदर है इधर। वो बाईपास है। किलोमीटर होगा अभी। तो गाइस निकल रहा हूँ, कुछ भाई लोग आगे थे तो निकलते हैं अब आगे, पूछ रहे थे ये कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान, गुजरात, कहाँ तक जाओगे? दिल्ली। अब दिल्ली वापस सूरत होता हुआ। सूरत है ना आपकी चैनल? ये हरनीत है, हिमनीत है मेरा।
तो गाइस निकल गया हूँ, एक छोटा सा नारियल पानी ब्रेक लिया था और यहाँ के लोग भी यही समझा रहे थे कि बाइक थोड़ा धीरे धीरे चलाना क्योंकि यहाँ पे अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है और लोग गलत गाड़ी चलाते हैं। वही बात हो रही थी अभी कि इस साइड जो है कि लोग देखते नहीं है, तो वही वो भैया भी बता रहे थे। और रास्ते में गायें और कुत्ते वत्ते भी आ जाते हैं तो इसलिए वो बता रहे थे कि धीरे धीरे चलाना। और ये हाईवे भी बन रहा है, जब बन जाएगा तो सही हो जाएगा। और लोकल एरिया में तो और भी सेफली चलाने के लिए बोला क्योंकि लोग यहाँ पे बिना हेलमेट के चलते हैं और पीछे नहीं देखते और सीधा काट देते हैं। तो आप जब भी इस रोड से आओ साउथ गुजरात में तो थोड़ी सी बाइक को कंट्रोल में चलाना और हॉर्न मार के चलाना, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है द्वारका में। तो गाइस भावनगर रह गया यहाँ से 10 किलोमीटर और भावनगर नहीं जाना है, भावनगर से लेना है राइट टर्न। और आज के दिन के मेरे 200 किलोमीटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अब निकलना है गाइस घोगा पोर्ट के लिए, घोगा टर्मिनल यहाँ से है 15 किलोमीटर है घोगा। मतलब 15 किलोमीटर बाद समुंदर आ जाएगा। तो गाइस टाइम हो गया 12:15 और मैं पहुंच गया वेलकम टू रोरो फेरी टर्मिनल घोगा। तो घोगा पहुंच गया गाइस फाइनली और अंदर चलते हैं अब टर्मिनल में और वेटिंग लिस्ट में बैठना पड़ेगा क्योंकि 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और मैं जल्दी पहुंच गया। ये आ गया घोगा टर्मिनल, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। गाइस टिकट चेक हो रही है, ठीक है। कहाँ बैठना है? वेटिंग 3 नंबर से राइट साइड, वहाँ पार्किंग में। वो 3 नंबर? हाँ 3 नंबर से राइट साइड, वहाँ गाड़ी पड़ी है, वहाँ पार्क करनी है, ठीक है। वेटिंग एरिया वेट कर, ये वेटिंग एरिया तब जाना है, ठीक है। कितने बजे होती है अनाउंसमेंट? 4 बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास कुछ खाने का मिल जाएगा अंदर? अभी नहीं मिलेगा, अभी आपको बाहर जाना है तो जा सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं मिलेगा? अभी अंदर 3:30 के बाद। 3:30 के बाद मिलेगा, कोई बात नहीं, थैंक यू। और अंदर क्या कहते हैं जो शिप है? हाँ। शिप में कैमरा वैमरा अलाउड है ना सब? हाँ सब कुछ। और ड्रोन उड़ा सकते हैं ऊपर शिप के? उड़ा सकते हैं। पहले तो अलाउड था 19 में जब। अभी नहीं है। अभी नहीं है, समुद्र के बीच वाले ड्रोन नहीं उड़ा सकते, कैमरा फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आपने सुना कि ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, तो चलते हैं गाइस वेटिंग पॉइंट में। पार्किंग में बाइक खड़ी करते हैं फिर निकलते हैं वेटिंग लिस्ट में। 4 बजे के आसपास का है। और ये है गाइस टू व्हीलर पार्किंग। तो गाइस फाइनली अंदर आ गया हूँ मैं और ये है 4 व्हीलर पार्किंग, इसमें ट्रक व्रक भी चढ़ते हैं। तो चलते हैं गाइस अंदर
दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून फ्रॉम घोघा टर्मिनल पोर्ट। तो गाइस मैं फाइनली टर्मिनल पोर्ट पे पहुँच चुका हूँ घोघा में, और रिपोर्टिंग टाइम है 4 बजे के आसपास अनाउंसमेंट होगी भैया बता रहे हैं, और ये पार्किंग एरिया है कुछ। तो गाइस मैंने बिजनेस क्लास की टिकट ली है, वो है 700 रुपीज़ की और 200 रुपीज़ बाइक के, और एग्जीक्यूटिव क्लास की जो टिकट है वो है 600 रुपीज़ की। मिनिमम जो टिकट है वो है 600 रुपये की, और बाइक का चार्ज 200 रुपये है, गाड़ी का 500 रुपये है, बाकी उससे ऊपर है तो शायद उसका ज़्यादा है। तो और भी क्लासेस हैं अंदर, स्लीपर क्लास है एक, और भी 2-3 क्लासेस हैं, एक का 1500 रुपये फेयर है, एक का 5000 रुपये फेयर है कैबिन के लिए, अगर आपको पर्सनल कैबिन चाहिए तो उसका भी है यहाँ पे। तो कम से कम 100 से 150 कैबिन बने हुए हैं पर्सनल यहाँ पे, तो अगर आप चाहो तो वो भी पर्सनल बुक करा सकते हो। 4 घंटे की जर्नी है ये, तो ये पड़ती है गल्फ ऑफ कम्बाट का पूरा एरिया जो है वो होता है कवर। 90 किलोमीटर की सी जर्नी जिसमें कि 3 से 4 घंटे लगते हैं। 5 बजे चलती है ये, 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम है इसका, और 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास ये हजीरा पोर्ट पे उतार देती है। तो हजीरा पोर्ट से जाना पड़ेगा सूरत, सूरत है वहाँ से अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर। तो वहाँ होटल ले लेंगे, रात को काफ़ी लेट हो जाएगा, 1 घंटा बाइक चलानी पड़ेगी, 35 किलोमीटर है क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो ठीक है गाइस, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डिटेल्स होगी वो आपको थोड़ी देर में दूंगा। चलते हैं अंदर अब। चलो, इसकी बुकिंग सेम डे होती है, सिर्फ उन्हीं को ही वेटिंग एरिया में बैठने की परमिशन मिलती है। आपको एंट्री गेट पे ही अपनी टिकट चेक करानी पड़ती है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप यहाँ पे भी ऑफलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सेम प्राइस है। और उसमें क्या है कि आपको टिकट लेनी पड़ेगी पहले, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ऐसा ना हो कि टिकट कई बार क्या है कि फुल भी हो जाती हैं, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप सिर्फ डाल देना गूगल पे रोरो फेरी हजीरा कोका तो हजीरा, तो वेबसाइट खुल जाएगी, TG करके ऐसी कोई वेबसाइट का नाम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। चलते हैं अंदर। वेटिंग एरिया में तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ अभी क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया। तो मुझे ये था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचा जाए, क्योंकि बाइक है, बाइक का कुछ पता नहीं होता रास्ते में क्या इशू हो जाए। तो अगर आप भी आओ तो 2 घंटे पहले तो आ ही जाना। बाकी बोट में आपको खाने की हर चीज़ मिल जाएगी, पानी से लेकर खाने से लेकर आप कुछ भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी 3:30 बजे के आसपास अगर आप खाना खाना चाहें तो खा सकते हैं, अभी नहीं है, भैया ने बताया कि 3:30 बजे के आसपास खुलेगा और उसमें आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगा अगर आप 3:30 खाओगे तो इससे अच्छा आप 5 बजे शिप में बैठ के खा लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये है टाइमिंग इसकी, और ये वेबसाइट है गाइस, इस वेबसाइट से आप टिकट बुक करा सकते हो। टाइमिंग यही है वेबसाइट पर मैंशन, अगर आप सुबह सुबह की भी टिकट बुक करा सकते हो। सुबह सुबह मैं 8 बजे यहाँ पहुँच ही सकता था क्योंकि मैं दीव में था, डिस्टेंस वहाँ से अप्रोक्सीमेट 225 किलोमीटर है, अदरवाइज मैं इसी में ही चला जाता सुबह 8 बजे वाली में। वेबसाइट पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। तो गाइस बैठते हैं आराम से, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे अपना आराम से बैठ के। मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी क्लासेस कैसी हैं, तो हम अंदर जाके ही आपको बता पाऊँगा कि बिजनेस क्लास कैसा है, स्लीपर क्लास कैसी है, एग्जीक्यूटिव क्लास कैसी है और क्या डिफरेंस है। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।